गर्मियों में दोपहर में देते हैं 2:30 बजे और सर्दियों में सुबह देते हैं जब बंदे की आँख भी नहीं खुलती है और इतनी सड़ी धूप हो रही है, इतनी सड़ी धूप, और इस धूप में हम जा रहे हैं पेपर देने। रोल नंबर निकला P9, साथ में कुछ बंदों को और भला कर दिया मैंने, है ना। मजा आता है भला करने में लोगों का, मदद कर दो दिल सुकून। मैंने रोड इतना चौड़ा ना भाई साहब, अगर इंसान रात में मर रहा होगा ना तो इस जाम में बर्बाद हो जाएगा वो, उसकी आधी जिंदगी यही रोड पे खत्म हो जाएगी। रेड लाइट पे उतर गए गन्नों से, चल ले रोड क्रॉस करते हैं, पुलिस वाला मिलेगा ना, हम पे हेलमेट वगैरह है नहीं। भाई का आज है हैप्पी वाला बर्थडे, हैप्पी बर्थडे भाई, क्या हाल चाल, क्या प्रोग्राम है। Hey guys, welcome back to my new vlog। आज के vlog की स्टार्टिंग हो रही है फुल एंड फुल धूप के साथ और अपने साजिद भाई के साथ, हाँ। तो एक बार फिर से चेक कर लो, ये बंदा हर सेमेस्टर में मिलता है बस, उसके अलावा नहीं मिलता ये उसके अलावा इसका मिलने का मन नहीं करता नहीं, है ना। तो फिलहाल में भाई तड़कती धूप में गर्मी में सड़ी हुई हम निकल रहे हैं रोड पे अपना मस्त क्रॉस करेंगे बढ़िया करके। भाई साहब इतनी तगड़ी धूप में गर्मी लग रही है, इतनी गर्मी लग रही है क्या ही बोलूँ मैं। और हमारा है पेपर, सर्दियों में सुबह सुबह पेपर देंगे, गर्मियों में दोपहर में देते हैं 2:30 बजे और सर्दियों में सुबह देते हैं जब बंदे की आँख भी नहीं खुलती है और इतनी सड़ी धूप हो रही है, इतनी सड़ी धूप, और इस धूप में हम जा रहे हैं पेपर देने, पेपर तो देना ही है, पुलिस की डिग्री भी चाहिए, डिग्री डिग्री। भाई से पूछना, केजरीवाल की सरकार में बसें खराब हो जा रही हैं, समझ रहे हो। केजरीवाल ने बोला था अगर मुझे जेल भिजवाना है तो कमल को वोट देना, कमल को वोट दिया है मैं। तो इतनी धूप हो रही है, इतनी धूप क्या ही बताऊं भाई साहब, अगर अंडा फोड़ के डाल दिया जाए रोड पे तो साजिद भाई क्या होगा, फ्राई हो जाएगा 2 मिनट है ना, आमलेट बन जाएगी तुरंत, बस मिर्च मसाला डालने की जरूरत है, बाकी तुम देख लो नहा धो के आया था काला पड़ गया हूँ। ग्रामीण से उतरते फिर बातचीत करते हैं पुलिस पहुँच के। भाई क्या होता है हिसाब के चांटे पड़ रहे हैं ना, मजा आ रहा है इस गर्मी में, क्यों साजिद भाई। बिल्कुल भाई, धूप से काले हो गए यार। हाँ साजिद भाई कुछ ज़्यादा हो गए हैं, पहले इन्हें 6 लड़कियाँ देखती थी अब एक भी नहीं देख रही हैं, सर्दियों में गोर हो जाते साजिद भाई, धूप देख रहे हो भाई साहब, तो लोडो चटक रही है धूप एकदम, ये चेक करो है ना। फिलहाल में भाई अपना कॉलेज के बाहर पहुँचने वाले हैं, ग्रामीण सेवा से उतर चुके थे घर से, अच्छी बात है कुछ खा पी के आए थे क्योंकि शरीर ने तो छोड़ दिया सारा पानी जितना पिया सब, और भाई किस हिसाब से भीड़ लग रही है रामानुजन कॉलेज के बाहर, तुम चेक कर सकते हो, अच्छी बात है हम 2 बजे आए हैं, भीड़ में शामिल नहीं होते ना, अटके हैं थोड़ा। कॉलेज की भीड़ देख रहे हो भाई, हमारा इससे अगला वाला है, हम घुस हैं इस भीड़ में शामिल नहीं होने वाले हम हैं, किस्मत ही खराब है। कोई नहीं भाई, कॉलेज पहुँचते हैं मिलते हैं। फिलहाल में भाई अपना कॉलेज के बाहर तो आ गए हैं, पर तुम मानोगे नहीं इतनी सड़ी गर्मी पड़ रही है, ये नहीं कि ये लोग गेट खोल दें, नहीं खोल रहे, कह रहे हैं हम अपना फिक्स टाइम पे खोल रहे हैं, अब देखते हैं गेट शायद खुल गया, सारे बच्चे जाने लग गए। चलो साजिद भाई बच्चे जा रहे हैं, तो हमारा नीरज भाई भी मिल गया था हमें यहीं, ये भाई डाल दिया भाई तेरे को पिछले व्लॉग में तूने देखा हो तो, ये तो बोले कि डालता नहीं है व्लॉग में। तो भाई चल रहे हैं अपना कॉलेज की तरफ, अंदर एंट्री लेते हैं प्यारी सी, है भाई ठीक है ना, ओके चल रहे हैं जल्दी जल्दी, हॉल टिकट वगैरह निकालते हैं, रोल नंबर देखते हैं। इस भंडारे की लाइन में हम भी शामिल हैं, मैं तो कह रहा था हम नहीं होंगे बट हो गए यार, क्या करें, रोल नंबर तो लेना ही पड़ेगा ना। ये रे पत्तल भाई, ये रे पत्तल, झांकेंगे कौन सा नंबर है, कौन से नंबर पे हमें पत्तल मिल रही है देखते हैं, फिर क्लास में चलते हैं। खैचली फोटो खैचली खैचली भाई दोस्त को फोटो खींचने के नंबर पे लगा रखा है यहाँ पे, ये पर्ची वगैरह लग रही है, कुछ ज़्यादा भीड़ हो रही है एकदम कैडी, देख रहे हो तुम मामला, अब पता नहीं इसने फोटो वगैरह खींची नहीं खींची, खींची होगी तो इसकी फोटो में देख लेंगे क्या सीन है क्या नहीं। लड़ झगड़ने के बाद बड़ी मुश्किल से फोटो क्लिक करने के बाद जब जाकर रोल नंबर लिखना P9, साथ में कुछ बंदों को और भला कर दिया मैंने, है ना, मज़ा आता भला करने में लोगों का, मदद कर दो दिल सुकून। आंधी आई उड़ जाएगा सब, कॉलेज उजड़ जाएगा पूरा, देख रहे हो तुम पीछे कॉलेज। ओए मेरे को आवाज मत मारे, वीडियो बना रहा हूँ मैं। हाँ भाई चल रहे क्लास में, क्लास चेक कर सकते हो एकदम बेहतरीन करके, बच्चे बैठ रहे हैं अपनी अपनी सीट पे, मेरा एग्जाम वगैरह हो चुका है डन, और साजिद भाई भी करे जा रहे हैं, क्या सीन है कि अभी एग्जाम वगैरह हो चुका था अपना डन, और आज हमारे मिले हमारे पुराने मित्र स्कूल के बाली भाई और बल्लू भाई, बोले तो रोहित भाई और बाली, नहीं रियल नाम क्या था लेगा,
ये रहा सूरज, ये भाई एक टाइम पे इतना छोटा था ना, आप देखो इसकी दाढ़ी फाड़ी सब निकल गई है, देख रहे हो तुम इसे, लग रहा है ये नहीं लग रहा ना? अब पहले तुमने देखा ही नहीं होगा इसे क्योंकि तब मैं ब्लॉग बनाता नहीं था। आज इतनी लेट आया, इन्होंने हमारी अटैची कर दी आज। हम सोच में पड़े थे कि साजिद भाई कब आएंगे कब आएंगे, मैं पहले निकल गया क्लास से। क्या खाओगे, गोलगप्पे? चलो छोड़ो, मेन रोड पे छोड़िए ना। हाँ यहाँ थोड़ी बीले मिल रहे तेरे को, अरे बीले नहीं देख रहा। क्या चाहिए ले लो। तो भाई अभी मिलते हैं ग्रामीण क्षेत्र में बैठ के, पहले अपने दोस्तों के साथ थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं। भाई मच्छी मार्केट चेक कर रहे हो क्या? हाँ ये देखो रोड कितना प्यारा लग रहा है हमारे गोविंदपुरी का, आधा रोड इन्होंने घेर रखा है ये रेडी पटरी वालों ने, वरना रोड इतना चौड़ा ना भाई साहब, अगर इंसान रात में मर रहा होगा ना तो इस जाम में बर्बाद हो जाएगा वो, उसकी आधी ज़िंदगी ही रोड पर ख़त्म हो जाएगी। क्यों बोल, सही बोल रहा हूँ? सही भाई बिल्कुल, अभी कच्चा खरीदूंगा मैं इन्हीं पटरियों से, मज़ा आता है कच्चा खरीदने में, सस्ता मिल जाता है ना। अब ऐसे ना मालिक है नहीं, एक टाइम था हम यहाँ बस के लिए भी खड़े होते थे यार, दिक्कत क्यों दे रहा है? हाँ तो कलकाबाद वाले स्कूल आते थे इन्हीं गलियों में खड़े रहते थे बसों के लिए, वो पंच भी तो इन्हीं में चलता था। समझ रहे हो, समझ रहे हो, कोट खरीद लो सस्ते में, 300 रुपया कोट दिख गया कोट। टाटा नेक्सॉन शेड को ओले, चलो मेरी जानू। ओहो लड़कियाँ देख रही थी क्या? चले भाई 150 के तो, 150 के तो खरबूजी भाई। अभी फिलहाल में रेड लाइट पे हम उतर गए हैं धन्नों से, चल रोड क्रॉस करते हैं, पुलिस वाला मिलेगा ना, हम पे हेलमेट वगैरह है नहीं तो सीन चेक कर लेते क्या है क्या नहीं, फिर हम उसे इशारा दे देंगे कि आ जाओ आ जाओ कोर्स आ जाओ। तो रेड लाइट हमने क्रॉस कर दिया बेहतरीन करके, दोबारा बैठते बाइक पे फिर निकलते हैं। क्या सीन है कि मैं हमारा एग्जाम वगैरह दे के तो आ चुका था, और तुम्हें तो बहुत ही प्यारी बेहतरीन सी चीज़ बताऊं, ये देखो ये बच्चे के लिए यही है। नमस्ते अंकल जी, कैसे हो? आज ना टी शर्ट पहन लिया करो, ठीक है ना, घर में उसका मतलब ये थोड़ी टी शर्ट उतार के घूमोगे, कोई मिलने आएगा वीडियो बनाएगा तो ऐसे तुम्हें नंगे पतंगे में बनाएगा वीडियो भाई कह देंगे। अम्मा नमस्ते, कैसे ठीक हो? और अंकल जी सोफे वगैरह की सेटिंग चल रही है? नया ले आया क्या? अच्छा खुद बनाया है ये वाला जो उस दिन बना रहे थे नीचे बैठ के। अच्छा आयुष भाई हैप्पी बर्थडे भाई, हम नहीं रुकेंगे तो, हम नहीं रुकेंगे तो ऐसे नंगा आना पड़ेगा। हमारे आदित्य भाई ने पहन ली टी शर्ट और भाई का आज है हैप्पी वाला बर्थडे, तो हैप्पी बर्थडे भाई, क्या हाल चाल, क्या प्रोग्राम है? प्रोग्राम शाम को है, शाम को तुमसे बड़ा गरीब तो मैं बैठा हूँ। पेपर दे के आया था आज, दवाई से मिलने आ गया था बर्थडे विश करने, मैंने खाली स्टोरी डाल पाया तो पेपर देने निकल गया था, समझ लो बहुत ज्यादा गरीबी है। तुम्हें पता है कि आदित्य भाई का आज बर्थडे है, तो भाई मैं घर का काम वगैरह निपटाने के बाद अब जा रहा हूँ आदित्य भाई के बर्थडे में शामिल होने के लिए, तो गुब्बारे वगैरह बढ़िया करके सजा दिए हैं, तो मौसम वाला मैटर हो रखा है ऊपर, तो चलते हैं अपना जल्दी जल्दी। ये चिन्नू जल्दी आओ, बच्चे भी आ रहे हैं मोहल्ले को, और हम चलते हैं। आदित्य भाई तीन बार आ चुके हैं घर पर, मैं खाना खा रहा था, कोई दिक्कत नहीं, अभी चलते हैं ऊपर की डेकोरेशन वगैरह चेक करवाते और दिखाते हैं आदित्य भाई का जलवा। आ गया था भाई मैं आरिफ भाई के घर पे, और यहाँ और ये भीड़ सी, ये चेक करो तुम, ब्लर सा हो गया क्या मैटर, थोड़ा सा हो जाता है नकली फ़ोन है ना। बाकी तुम डेकोरेशन चेक कर सकते हो, गुब्बारे वगैरह हैप्पी बर्थडे का वो लगा रखा है, गुब्बारे ये रहे, ये भी गुब्बारे हैं, अंकल खुश हैं और आदित्य भाई भी एकदम खुश हो रखे, पानी वानी पी रहे हैं। भाई क्या कह रहे हो, क्यों स्लो, मतलब क्यों ऐसी हूँ भाई, मैं तो शुरू से ही आपके पास तेज बोलूँ, मैं तो ले रहा हूँ मजे एसी के, समझ रहे हो, ये फील आ रहा है क्या, और नींद भी। और उधर केक वगैरह आ चुके हैं, अभी तो फिलहाल में दो केक आए हैं।
तैयारी वगैरह हो चुकी है हमारे आदित्य भाई की, चेक कर सकते हो। तीन तीन की कार रखी हैं, एक सागर नाम से है परिवार चैनल के नाम पे, द पुच्ची ब्लॉगर सागर सागर, चेक कर सकते हो। दो चॉकलेट है और ये रहे हमारे आदित्य भाई बर्थडे बॉय, रिंकू कैमरामैन हैं, बाकी आदित्य भाई के दोस्त वगैरह ये सपोर्ट में खड़े, फुल बाउंसर पीछे, दो दो बाउंसर है भाई, दो बाउंसर। जिम जाके बॉडी किस लिए बना रहे हैं? बाउंसरों के लिए है। बातचीत है क्या? मैं भी तो। तू भी है? तो तू तो स्मार्ट ही लग रहा है। ये भी है। ये भी स्मार्ट लग रहा है। ये भी है। ये तो भांजा है। ये तो स्मार्ट बंदा है। तो फिलहाल मिलने की तैयारी वगैरह करते हैं, केक कटने की बारी है, पार्टी पॉप वगैरह गन वगैरह सब चीज़ निकल चुकी है, मैटर एकदम हो गया ओके। आदित्य भाई करने वाले हैं काम, होता है फिलहाल शुरू होते खत्म। मजा आ गया आदित्य भाई को, मजा आ गया भाई, केक वगैरह कट चुका है फाइनली, चेक कर सकते हो। तो भाई फिलहाल में बर्थडे वगैरह अच्छे से हो चुका है सेलिब्रेट, और आदित्य भाई की शक्ल थोड़ी सी बिगाड़ दी थी रिंकू ने, काली पीली कर दी है ना, केक वगैरह लगा के। तो फिलहाल में इसी के साथ कर देते इस ब्लॉग का यहाँ पे एंड, अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना, मिलते हैं ब्लॉग में नए वस्ती नए फन के साथ, जब तक के लिए बने रहे अपने सीनू भाई के चैनल पे इसी तरह और प्यार दिखाते रहिए, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टाटा बाय बाय एंड बी सेफ गाइस।